नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार नेमा स्टडी टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंतर्गत अल्फाबेट के बारे में अध्ययन करेंगे। अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, जिनके लिए याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक से आज हम समझेंगे। जो नंबर ए है, नंबर अक्षर ए है, वह नंबर वन पर रहता है, बी टू पर रहता है, सी थ्री पर रहता है, डी फोर पर रहता है, ई फाइव तक रहता है। ये तो सभी को याद रहते हैं। और जो वाई है वह 25 पे रहता है, और जो जेड है वह 26 पे रहता है। ये तो सभी को याद रहते हैं, लेकिन जो इनके अंदर है अक्षर, उनको याद करने के लिए कुछ साथ का ट्रिक यहां पर देखेंगे। ये उल्टा बनाएंगे तो इस टाइप का लगेगा, तो इसके लिए इसका यहां से ऐसा बना देंगे तो 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसके बाद इसमें अपन गौर से देखेंगे तो इसमें ये 7 बना दिख रहा है आपको। तो ये कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर। और यह एच है जो, उसको भी नीचे और ऊपर यहां पर लाइन खींच देंगे तो ये 8 बन जाता है। तो यह कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर। इसके बाद जो आई है, आई में यहां पर बिंदी दिख रही है, इस बिंदी को यहां से मिला देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 9। इसके बाद जो जे है, जे को यहां पे ये बिंदी अपन ने ऊपर पहले की, इसके पहले यहां पे इसके बाद में करेंगे इसको, तो जो जे है इसके बाद में कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा। इसके बाद जो के है, वह अपन जो जल्दी में लिखते हैं ना, तो उसको ऐसा कर देते हैं तो ये 11th हो गया, 11। तो एल है या 12 नंबर पर रहता है। जो एम है, एम को उल्टा रखेंगे तो 3 जैसा लगता है, तो इसके पहले 1 जोड़ देंगे तो ये 13 नंबर पर। याद रखना है आपको तो कौन सा शब्द कितने नंबर पर आता है। जो एन है, एम का जो छोटा अक्षर होता है उसको इस प्रकार लिखते हैं, और इसका उल्टा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, चार आने इसे 14 नंबर पर है। इसके बाद ओ है जो 0 है, 0 किससे डिवाइड हो जाता है? 10 से। 0 10 रहता है, उससे 0 लगा रहता है उसके बाद, तो 10 आने 10 डिवाइड किससे होता है? 5 से। तो यहां पर कितना नंबर आएगा? 15 नंबर। इसके बाद जो 16 है, बी है, वह बी के लिए अपन फिर से उल्टा कर देंगे इस टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा? 16 नंबर। क्यू इसमें फिर यहां पे ऐसा बना दिख रहा है आपको, तो ये कितने नंबर पर होगा? 17 नंबर पे, 7-1। इसके बाद आर यहां पर भी फिर अपन यहां पर लाइन जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। इसके बाद एस में यहां पर फिर से ये कर देंगे तो 9 जैसा दिखेगा ये। इसके बाद 10 टी आपने नाम सुना होगा, T20 बहुत फेमस है, इसलिए T20 नंबर पर है, 20 नंबर पर है। यू के लिए 21 नंबर आता है। बी यहां पर दो उंगली के जोड़, आपको बी जब दो उंगली दिखाते हैं तो बी जैसा लगता है, तो यहां पे 22 आएगा। इसके बाद डब्लू के लिए फिर से अपन उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 23 नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद एक्स, यहां पर इसमें कितनी वो दिख रही है लाइन? 4, 1, 2, 3, 4, तो ये कितनी नंबर पर है? 24 नंबर पर है। इस प्रकार से आप दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको सारे अक्षर याद हो जाएंगे, कौन सा भी अक्षर किस नंबर पर है। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें बहुत सारी गलती की हो जाती है। निम्नलिखित में से विलुप्त पद ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित में से विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पद है जी, दूसरा एच, तीसरा जे, चौथा एम। अब यहां पे विलुप्त है, ऑप्शन आपके लिए ओ आर क्यू यू है। तो यहां पर जो जी है उसका कितना नंबर है? जी 7 नंबर, यहां पर ही अपनी ट्रिक है, 7 नंबर पर है। इसके बाद जो एच है वो 8 नंबर पर है, जो जे है वह 10 नंबर पर है, और जो एम है 13 नंबर पर है। तो
तो यहाँ पे सात और एक आठ, यहाँ पर एक है, यहाँ पे दो का गैप है, यहाँ पर तीन का गैप है, तो यहाँ पर कितने का गैप होगा, चार का गैप होगा। तो तेरह चार सत्रह, सत्रह नंबर पर कौन सा रहेगा, क्यू। तो इसका ये वाला आंसर क्यू सही है। इस प्रकार से आज हमने अल्फाबेट के बारे में पढ़ा, तो आज हमने अल्फाबेट के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमारे लिए जरूर बताएं, कमेंट द्वारा आप हमको जानकारी प्रदान कर सकते हैं, और जो सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट द्वारा दे सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।